समृद्धि की रोशनी और वैभव के उत्सव की दीपावली पर कानून की पहरेदारी ऐसी हुई है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अखिल भारत में बेहिसाब पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी को लेकर एक बार फिर जब दीपावली का उत्सव चल रहा है तो पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। उनके लिए मैं सख्त एतराज में हूँ। दिल्ली की जनता के साथ आस्था के त्योहार पर उनकी आस्था को छेड़ना ये अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा अपराध है। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है। पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एक भी स्टेप आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए नहीं उठाया। प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है। जो पोल्यूशन दिल्ली में है वो एक दिन के पटाखों से नहीं है, वो डस्ट से पोल्यूशन है, वो व्हीकल पोल्यूशन है, वो पराली से पोल्यूशन है। और डस्ट पे, सड़कों पे, गड्ढों पे काम किया जा सकता है जो दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है। तो उसकी आड़ में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब त्योहार से छूट के जमानत पे बाहर आते हैं तो पटाखे जलाए जाते, तब इनको प्रदूषण दिखाई नहीं देता। वैसे वायु प्रदूषण को देखते हुए 6 साल पहले ही बेहिसाब पटाखों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। आदेश का पालन पुलिस वालों को कराना है, लेकिन सवाल सियासतदानों पर उठाए जा रहे हैं। और अब तो पटाखा बैन के बहाने धर्म मजहब का सवाल भी खड़ा किया जाने लगा है। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 6 साल पुराने एक बयान का हवाला देकर बीजेपी के नेता और समर्थक हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों पर अंकुश लगाने की आशंका जाहिर करने लगे हैं। माननीय सरसंघ चालक जी ने जो विषय उठाया है, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये आदिकाल से है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करता है। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हमको दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीदे। दरअसल दिल्ली NCR में दिवाली के टाइम खतरनाक वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही पटाखों पर बैन का आदेश दिया था, जो पूरे देश में लागू है। इस आदेश के मुताबिक पटाखा बेचने वालों को मजिस्ट्रेट, SDM कार्यालय, पुलिस आयुक्त या संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। लड़ी वाले पटाखों को भी बैन किया जा चुका है। देश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं और उसके लिए अदालत ने दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस न्यू ईयर की रात 11:55 से 12:30 तक का समय निर्धारित किया है। शादियों जैसे अन्य उत्सव में भी पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वालों को दिल्ली में 1 महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने तक की सजा मिल सकती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार आई तो ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी हम पोल्यूशन कम करेंगे और दिवाली के दिन अच्छे पटाखे बजा सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे नहीं बल्कि पराली जलाना, टूटी फूटी सड़कें और निर्माण भी बड़े कारण हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दिवाली के ठीक अगले दिन 8 शहरों की हवा की गुणवत्ता मापी गई थी। पता चला था कि 8 शहरों में औसतन हवा के अंदर PM10 की मात्रा में
22% से 114% की बढ़त देखी गई थी, जबकि दिवाली के बाद दिल्ली में PM10 की मात्रा 67.1% और PM2.5 की मात्रा 82.9% तक बढ़ गई थी। प्रदूषण की समस्या से बीमार लोगों को होने वाली परेशानियों, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और पशु पक्षियों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसे लेकर अब सियासी आतिशबाजियां चल रही हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।